डॉक्टर सुनील करवे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साईं वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। शरण नमस्कार, साई वाणी में आपका सबका स्वागत। मेरे प्रिय आत्मन, दिव्य और सज्जनों, भाई बहनों, बहुत ही खुशी का माहौल है। इसलिए मैं खुशी का माहौल कहना चाहता हूँ, अगर हम हमारे जीवन की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से करें तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। और हमारी शुरुआत वेल बिगेन इज हाफ डन कहा जाता है। हमने बहुत अच्छी तरह से शुरुआत की है और हमने नया कार्य और प्रारंभ शुरू किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा मेडिटेशन होने लगा है। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि जब तक आपको पूरी तरह से वो अंदर से बदलाव नहीं दिखेगा तब तक आप नहीं बदल सकते। और अंदर से बदलाव दिखना मतलब अपने अंदर के बदलाव में आना, अपने अंदर की आवाज़ को दूसरों के आवाज़ की तरफ जोड़ना। मैंने भी मेरे जीवन में बहुत दुख देखा, बहुत ही समस्या को मैंने भी सामना किया। और जब मैं बाबा के ध्यान ध्यान से जुड़ा तो मेरा जीवन पूरा बदल गया। मैं अभी हर चीज़ में सुख देखता हूँ, खुशी देखता हूँ और इतना अच्छा लगता है कि जीवन जीने का एक आनंद ही अलग है। सच कह रहा हूँ भाई और बहनों, मेरे खुद के निजी अनुभव से मैं बहुत अच्छी तरह से बदलाव ला चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी आए। साईवाणी.org के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में रोजगार निर्माण करना हमारा परम कर्तव्य है। साई का आशीर्वाद, साई का मंदिर, साई की प्रेरणा और साई की शक्ति ही हमारे जीवन का बदलाव है। और कुछ कर गुजरने के लिए मैंने कहा था साधन चाहिए। और जब साधन जुड़ते हैं, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। मन मतलब दृढ़ता, संकल्प चाहिए। साधन तो जुड़ जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। इसके लिए मैंने एक किताब, बहुत सारी किताबें लिखी है। मैं आत्मपूजा ये मेरी किताब के बारे में आज जिक्र करूँगा, उसको आप जरूर देख लेना। और मैं अभी आप सबको कहना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ जहाँ जहाँ मैं अभी लोगों को संबोधित कर रहा हूँ वहाँ से हजारों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं। और मैं आप सभी को विनती करना चाहता हूँ, जो लोग आप मुझे सुन रहे हो आप अपने घर से भी वीडियो बना के भेज सकते हो। अच्छी तरह से क्वालिटी का अगर वीडियो भेजेंगे तो मैं साई वाणी में दिखाना चाहता हूँ। और कुछ लोगों को मैं जहाँ से साई वाणी कर रहा हूँ वहाँ भी निमंत्रित करने जा रहा हूँ। उसमें से अभी मैं हमारे मित्र जिन्होंने अंग्रेजी की किताब लिखी थोड़ा अक्सर, हमारे परम स्नेही परम बड़े भाई सुनील नरोला जी, हमारे साथ जो काम करते हैं मेरे मित्र सुदर्शन जी, और ऐसे सभी मेरे भाई बहन करोड़ों लाखों लोग जो हमारे लिए अभी ई कॉमर्स के लिए काम कर रहा है गौरव जी, और ऐसे महत् कार्य करने वाले पूरे हिंदुस्तान से जुड़ने वाले मेरे भाई बहन अभी हमारे साथ साई वाणी में जुड़ रहे हैं। वो अपने अनुभव साझा करने वाले हैं और अपने व्यापार के बारे में भी, जो उनके जीवन में उनके कार्य में बदलाव आया। देखो मैंने पहले दिन कहा था, जो बड़ा है वो छोटे को मारता है। तो 9 नंबर था, मैं उन 1 से लेके 9 नंबर तक की बात कर रहा हूँ। और 9 नंबर सबसे बड़ा था और उसको उसने ऐलान किया मैं बड़ा हूँ, मैं मेरे से छोटे को मारूंगा। तो 9 नंबर वाले ने 8 नंबर वाले को जोर से थप्पड़ मारी, 8 नंबर वाले ने 7 को मारी, 7 ने 6 को मारी, 6 ने 5 को मारी, पूरे आवाज क्लासरूम में थप्पड़ की भर गई। 5 ने जब 4 को मारी, 4 ने जब 3 को मारी, 3 ने जब 2 को मारी, और 2 जब
एक को मारता है जोर से तो एक डर जाता है और देखता है कि उसके बाजू में तो कोई नहीं, शून्य था, और शून्य अपना चुपके से एक कोने में जाके बैठ जाता है क्योंकि वो बेचारा किसको मार सकता है। लेकिन एक थप्पड़ खाता है और वो सोचता है, और फिर बहुत शांति से वो सोचने के बाद एक शून्य के पास वो जाता है, तो शून्य डरता है, शून्य को लगता है अभी मुझे ये मारेगा एक। लेकिन एक बहुत समझदार होता है, वो कहता है रुक, मैं तुझे मारने नहीं आया हूँ, तेरे साथ खड़ा होने में आया हूँ। और जब शून्य के बाजू में एक खड़ा होता है तो वो 10 हो जाते हैं, और फिर 10 होने के बाद वो किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन वो मारते नहीं है। ध्यान में जुड़ा हुआ, साई बाबा का आशीर्वाद लिया हुआ, साई बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ, साई बाबा के संस्कार मिलने वाला आदमी कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा। अपने जीवन से वो दूसरे के जीवन में क्रांति करेगा, उसमें कोई शक नहीं, कोई दोराह नहीं। भाई और बहनों, यही तो जीवन है। अपने को जब एक शून्य के साथ खड़ा हुआ तो 10 हुआ और वो सबसे बड़ा हो गया। और उन्होंने सोचा और कहा, देखो दूसरों को मारना बड़ापन नहीं होता, दूसरों को बड़ा करना ही बड़ापन होता है। साईं बाबा अपने भक्तों को बड़ा करते हैं, उनके जीवन में बदलाव लाते हैं। ध्यान और मेडिटेशन करोगे, साईं के भजन सुनोगे, साईं के साईं वाणी सुनोगे, हमारे साथ जुड़ोगे, जीवन में बदलाव आएगा। कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं, मेरे मैंने पूरा जीवन मेरा साईं वाणी के लिए समर्पित किया है, और साईं वाणी ही आपके जीवन में बदलाव लाने में कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। मैं अभी फिर से कहना चाहता हूं, आप थोड़ा शांति से समझदारी से समझे इस बात को, आप समझ लो कि जीवन क्या है, क्रांति क्या है, बदलाव क्या है। और आप सबको जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है? जुड़ना है। सच कहता हूं भाई और बहनों, बहुत सारी कहानियां मैं बताता हूं ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप जुड़ रहे हो। कहानियां तो बहाना है, ध्यान तो सच्चा, सच्ची कहानी अपने जीवन की ध्यान है, उड़ान का आनंद। मैं उड़ान का आनंद कह रहा था, अपने जीवन में उड़ने की एक आनंद की कला अलग होती है, और वो जीवन में बदलाव लाने की कला है, उसको क्रांति की कला कहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्रांति करना पड़ेगा, जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा, लेकिन बदलाव भीड़ में नहीं है। मैं एक राजा की कहानी आपको कहना चाहता हूं, राजा का अंतराग्नि, मैंने उसके ऊपर किताब लिखी है, अंतराग्नि। उस अंतराग्नि किताब के बारे में बालाजी जी, आप जरा स्क्रीन पे लोगों से ये किताबें का पूरी तरह से मुखपत्र दिखाइए, क्योंकि उनको पता चले, सभी मेरे साई भक्तों को पता चले कि बुक्स में कितना महत्वपूर्ण मैंने जीवन में चिंतन करके लिखा है। एक राजा बहुत बहुत ऐशोरामी राजा था, योग के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं ध्यान रखता था, अध्यात्म तो उसके दूर दूर तक छूता नहीं था, वो सिर्फ भोग में मलिन था। करुणा और क्रांति उसके जीवन में कैसे आई, वो मैंने दूसरे किताब में लिखा है, राजा आप ही है। और जब उसकी 10-10 रानियां थी, एक बार राजा को ज्वर भर जाता है अपने अंग शरीर में, और उसमें जब वो पूरी तरह से उसका शरीर तप्त हो जाता है, और उसको उसके जीवन में उसको डर लगने लगता है, तो फिर रानियां उसको चंदन का लेप लगाती है, उसको ठंडे पानी से नहलाने का प्रयास करती है, सब कुछ करते हैं उनको। और जब चंदन का लेप लगाते थे तो रानियां थी, बहुत अमीर थे सब लोग, उनके हाथों में 10-10 चूड़ियां थी, और वो रानियों की चूड़ियां जैसे बसती थी तो राजा को डिस्टर्ब होता था, तकलीफ होती थी, उनको कहता था वो, मुझे ये चूड़ियों की आवाज अच्छी नहीं लग रही, आप चूड़ियां निकाल दो और एक में हाथ में चूड़ी रहने दो, क्योंकि वो आप सौभाग्य का लक्षण है इसलिए। और फिर राजा को चंदन लेप लगाते लगाते जब उन्होंने चूड़ियां निकाली और एक ही चूड़ी रखी, तो उनके जीवन में उनको राजा को पता चला वो चूड़ियों की आवाज से उसको तकलीफ होती थी, लेकिन जब एक चूड़ी लगाए रखी आवाज नहीं आई, राजा को गहरी नींद आई, और उसका जो ज्वर था, जो उसको बहुत फ्लू आया था, वो निकल जाता है। और फिर राजा वहां से ठटक से खड़ा हो जाता है और कहता है जीवन में क्रांति हुई। बुद्ध कहते हैं जिस दिन जागे उस दिन सवेरा। कहानी बहुत मनोरंजक कहानी है, बहुत सारी चूड़ियों की आवाज आती है, यही है जीवन में। जितना ज्यादा नहीं रखोगे, वासनाओं के पीछे भागोगे तो दुख है, किसी एक ध्यान के पीछे लगोगे तो सुख है। राजा ने कहा जो इतने ऐशोआराम में नहीं मिला वो सब कुछ गया। राजा बहकने जैसे बातें करने लगा तो रानियों को भी कंफ्यूजन हुआ कि शायद ये जो ज्वर भरा है शरीर में, जो फ्लू है, उसके कारण ही हुआ होगा, तो वो और डर जाती है कि राजा कहाँ निकला। राजा बोलता है ज्वर तो भाग गया, मैं अभी ठीक हो चुका हूं और मुझे मेरा जीवन पता चला है।
कि मुझे अभी ध्यान पे ही ध्यान देना है, मेरे जीवन में बदलाव हुआ है। आप कहोगे क्या छुरियों का आवाज और ध्यान का संबंध है? ज्ञान कभी भी प्राप्त हो सकता है। आप ये मत सोचो आप दरवाजा सूरज उगता है। भाई और बहनों, हम दरवाजा बंद करके बैठते हैं और कहते हैं सूरज ही उगा नहीं। कभी कभी हमें ये भी घमंड हो जाता है। एक बूढ़ी औरत थी, उसके पास एक मुर्गा था और इत्तफाक की बात है कि सुबह मुर्गे का आवाज होना, बाग देना और सूरज का उगना एक ही टाइम पे होता था। औरत आकड़ गई, उसको लगा मेरा मुर्गा है, मेरा मुर्गा जब बाग देता है तभी तो सूरज उगता है। वो बोलती है अभी वो गांव वालों से झगड़ा करने लगती है तो गांव वाले हंसते हैं। हमारा भी ऐसे होता है ना, हमारी वजह से सब कुछ है। अरे हमारी वजह से कुछ नहीं है, हम रहे ना रहे दुनिया चलने वाली है। याद रखो आपके पुरखों, याद है आपको, इसलिए घमंड मत करो। दूसरा महत्वपूर्ण संस्कार में घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे किसी के भी साथ क्यों ना हो, नम्रता के साथ जीवन जियो भाई और बहनों, अपने जीवन में क्रांति करोगे। और जब वो मुर्गी मुर्गा को लेके जब बूढ़ी औरत दूसरे गांव में चली जाती है और वहां भी वो बोलती है कि जब मैं दूसरे गांव में मुर्गा को लेके जाऊंगी तो इस गांव में सूरज उगेगा ही नहीं। और जब वो दूसरी गांव में चली जाती है और वो मन के मन में कहती है आज वो लोग तो रोए होंगे क्योंकि मेरा मुर्गा उधर है नहीं, मैं तो इस गांव में आई, अब इस गांव में मुर्गे ने भाग दिया, यहां के लोग उठ गए, फिर भी वही भी वो घमंड में रह रही है। हमारे जीवन में बच्चा, बूढ़ा, उसके बीच में जवानी, सब कुछ भगवान देते हैं, लेकिन हम वो मुर्गे की तरह भागते कि हम है तो सब है। अरे आप कुछ नहीं है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं आज की साईवानी मन के जाल के ऊपर मैं कहने वाला हूं। अभी आपको बैठना है मेरे साथ और साईवानी को प्रारंभ करना है। घमंड नहीं करना है, एक पे ही ध्यान देना है और जीवन में क्रांति करना है। एक और शून्य जब एक हो गए तो वो दस हो गए, एक नहीं रहे। एक बूंद बूंद होता है लेकिन जब समंदर में गिरता है तो बूंद नहीं रहता, वो समंदर हो जाता है। मन के जाल के बुक्स के बारे में भी आप जरूर पढ़ना। ये बुक्स बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, ये आप जरूर उसको पढ़ना। अब आप जुड़े मेरे साथ, हाथ जोड़े और ओम का उच्चार मेरे साथ तीन बार करें। ओ सांस ले रहे हो, आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान में बैठे हो और गहरी सांस ले रहे हो। मूलाधार चक्र से लेके सहस्रधार तक आप अभी आग बंद कर रहे हो आपकी और आप एकदम शांति से आपके सांस पे ध्यान दे रहे हो। योग का महत्व, ये किताब तो मैंने लिखी है, आप इसको पढ़ना है और योग के सभी आसनों को करना है। मैं आपको सभी आसनों का प्रात्यक्षिक भी करके दिखाऊंगा क्योंकि योगासन ही हमारे जीवन का नेक्स्ट स्टेप है। पहले ध्यान आप फिर से समझो। मैं मेडिटेशन इसलिए करवाना चाहता हूँ कि आपके जीवन में आप क्रांति बदले, और एक बार जीवन में आपकी क्रांति बदल गई आपका पूरा शरीर, आपका मन हल्का हो जाएगा। और शरीर को मजबूत रखने के लिए मन के लिए प्राणायाम और शरीर के लिए योगासन। अभी आज आप प्राणायाम का बहुत महत्वपूर्ण भाग करने वाले हो, पूरी तरह से आप शांति से सुन लेना। एकदम आँख बंद करके आप शांति से बैठें और इस मुद्रा को बैठते समय आप चेहरे पे बिल्कुल प्रसन्नता रखें और पूरी तरह से आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे हो। बाकी घर में पूरी शांतता होनी चाहिए, जहाँ से आप देख रहे हो वहाँ पूरी शांतता होनी चाहिए। साइलेंस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मौन की ताकत और साइलेंस की ताकत आपने देखी है। और आप गहरी सांस ले रहे हो और आराम से सिर्फ सांस पे ध्यान दे रहे हो, बाकी आप कुछ भी नहीं देख रहे हो पूरी तरह से। हो सके तो आप अपना लाइट बंद करें और टीवी की आवाज भी थोड़ी कम करें और सिर्फ सांस पे ध्यान दे रहे हो। और सांस पे ध्यान देते समय मैंने ऊर्जा के बारे में कहा था कि आपकी पूरी ऊर्जा जुड़ जाए। आज आपकी मन की शक्ति जुड़नी चाहिए। आप जो बनना चाहते हो मन में लाओ, सकारात्मक विचारों के साथ जुड़ो और सिर्फ गहरी सांस ले लो। बस कोई नहीं आपके आजू बाजू में, सिर्फ आप बैठे हो और आप सिर्फ सांस पे ध्यान दे रहे हो। सिर्फ आपकी सांसों की आवाज़ भी आपको धीमी सी आवाज़ आ रही है और उसको हम साईं बाबा की जो चेहरा है, मूर्ति है, अपने सामने ला रहे हैं और बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा महसूस करो मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो और बाकी कुछ भी नहीं सुन रहे हो, सिर्फ साईं बाबा की आपकी आशीर्वाद देने की
क्रिया भी हो रही है और बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी आपके समस्याओं को बाबा दूर कर रहे हैं और इसी को हम साई ध्यान से जुड़ा रहे हैं। पहले मन की क्रांति, उसके बाद शरीर की क्रांति और उसके बाद अपने कार्य की क्रांति, गहरी ध्यान विधि जो बुद्धा का जीवन है। गौतम बुद्धा की कोई भी प्रतिमा आप देखो कितनी शांत बैठी रहती है, महावीर की प्रतिमा देखो, कोई भी बड़े संत को देखो उनके चेहरे पर प्रसन्नता होती है, क्योंकि प्रसन्नता ही जीवन है। चेहरे में बहुत बड़ा जीवन हास्य होना चाहिए, सकारात्मक सोच और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग, बिल्कुल भी निगेटिव थिंकिंग मत रखो। और वही लोगों को साथ रखो जो लोग आपके साथ पॉजिटिवली बात करते हैं। निगेटिव बात करने वाले लोगों से हमेशा दूर रहना भाई और बहन। मेरे जीवन में मैंने एक ऐसी एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगा कि एक बंदा हर दिन एक पेड़ के सामने जाके सकारात्मक और अच्छी श्लोक बोलता था, वो पेड़ बहुत भर गया। और एक बंदा सिर्फ एक पेड़ पे जाके निगेटिव चीज़ें बोलता था, उसका पेड़ हमेशा मुरझा गया। पेड़ भी समझ सकता है क्योंकि बहुत शक्ति है पॉजिटिव एनर्जी से। 3 जुलाई 2023 से गुरु पूर्णिमा से जब साई ध्यान साई क्रिया शुरू होगी, प्रारंभ करो और जारी रखो। ये मेरा गुरु मंत्र मैंने पहले ही दिया है और साई वाणी का ये जो है 20 से पेड़, इस बुक को तो आप जरूर पढ़ना। मैं बालाजी को कहूँगा कि आपको स्क्रीन पर दिखाए 20 से पेड़। इस बात को आप क्यों समझ रहे हो? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इस सब कार्य में आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। लगभग 60 तक हमारे साईवानी के एपिसोड पहुँच चुके हैं और मेरे लिए मेरे परम मित्र सुदर्शन जी और बालाजी जी ने बहुत सहयोग दिया, और इन लोगों के वजह से तो मैं आपके साथ इतनी तरह से जुड़ चुका हूँ। आज ध्यान में मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप भी अपने जीवन में जिन्होंने आज तक आपको सहयोग दिया, सबको धन्यवाद देने का आपका काम है। और एक महत्वपूर्ण बात है, जो दुख है मन में आपके, आराम से उस दुख को भिड़ो, रो लो। अगर रोना आ रहा है तो रो लो, अगर हंसना आ रहा है तो हंसो, जो करना है दिल खोल के आज करो। देखो एक बार करने से आपको हल्का लगेगा। आज का ध्यान ही है साई ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण चौथा भाग में बताने जा रहा हूँ, जो मन में छुपा है, जो मन में दबा है। क्योंकि मैं कौन हूँ इस किताब में मैंने यही बताया है कि आपको आपकी पहचान नहीं है, आप सिर्फ वो बोझ लेके जी रहे हो जो बोझ को लेके नहीं जीना चाहिए। आप शांति से सांस पे ध्यान दो, गहरी सांस लो और कुछ मत करो, सिर्फ आवाज, बैठो शांत, एकदम शांति महसूस करो। अपनी शांति सुख है और समाधान है, शांति से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप अपने को ऐसा महसूस करो, एक घंटा आप इस दुनिया से निकल चुके हो और वापस आ गए हो। एक घंटा पूरे भारत पृथ्वी को छोड़ के अपने ध्यान में गए हो और अपने जीवन में ही समर्पित हुए हो। कोई विचार मन में नहीं होना चाहिए, सांस पे ध्यान और मन निर्विकार, यही तो है जीवन। ध्यान क्या है? मन में शून्य विचार आना मतलब ध्यान। इतना आसान नहीं है लेकिन हो जाएगा। आप मेरे साथ जुड़ गए हो और मैं आपके साथ हूँ भाई और बहनों। आपका बड़ा भाई डॉक्टर सुनील, एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करके आपके साथ हैं। मेरी पूरी टीम, मेरा पूरा साई वाणी का ये पूरा विश्व में फैला हुआ हमारे सेंटर्स पूरे आपके साथ है। मैं अभी पुणे के मेरे यवत के सेंटर का ओपनिंग करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं स्वारगेट में पुणे में दूसरा सेंटर शुरू कर रहा हूँ। पिंपले सौदाकर में हमारे सुदर्शिनी ने नया सेंटर शुरू किया है और मैं अभी लोनावला में भी हमारे मित्र है देशमुख जी, उन्होंने सेंटर शुरू किया है। खेड़ में हमारे मित्र है डॉक्टर, हमारे मित्र एडवोकेट आदित्य गुरव जी, उन्होंने भी सेंटर शुरू किया है। और हजारों करोड़ मेरे मित्र जुड़ रहे हैं। अपने मालिक बनना है अभी, किसी दूसरे का नहीं। अपने मन का मालिक बनो जो आपके साथ जाने वाला है, और उस मन को शक्ति दे दो। अभी लास्ट में आखिरी में मैं कहूँगा, गहरी सांस ले लो 3 बार मेरे साथ। देखो आज सिर्फ सांस पे ध्यान, सिर्फ सांस पे ध्यान, देखो कितना हल्का लगता है। और मैंने कहा है आज, रोना है तो रो, हंसना है तो हंसो, जो मन में दबा है खुल के करो और जिंदगी देखो कितनी अच्छी है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, प्रणाम।